शिव विद्यामठ केदारघाट में अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से 11 हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से किया गया। सबने मिलकर यह प्रार्थना की कि भगवान कृपा मूर्ति हनुमान जी ज्योतिर्मठ क्षेत्र में हो रहे भूध्वंस के कारण उत्पन्न हुई संकट की स्थिति से वहां के पौराणिक महत्व के मंदिरों आदि शंकराचार्य व तोटकाचार्य की गुफा सहित आदि शंकराचार्य की गद्दी व समस्त नगरवासियों की रक्षा हो। बता दें कि जोशी मठ की घटना से चिंतित जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपना समस्त कार्यक्रम रद्द कर जोशी मठ पहुंच चुके हैं और पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के निर्देश पर ज्योतिर्मठ में विगत 2 दिनों से ज्योतिर्मठ में जोशी मठ वासियों के खाने व रहने का प्रबंध किया गया है और साथ ही उनके अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। हनुमान चालीसा पाठ करने वालों में साध्वी पूर्णम्बा, साध्वी शारदाम्बा, हजारी कीर्ति नारायण शुक्ल, संदीप सैनी, किशन जायसवाल, सदानंद तिवारी, अभय शंकर तिवारी आदि जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित जयंत जय शास्त्री व पंडित दीपेश दुबे के आचरण में संपन्न हुआ। आज यहाँ पर हम लोगों ने 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया क्योंकि हनुमान जी संकट मोचक हैं, तो हम लोगों ने उन्हीं से ये प्रार्थना की कि इस समय जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र में विपत्ति आई हुई है तो उस विपत्ति से पूरे ज्योतिर्मठ नगर की रक्षा हो, पूरे क्षेत्र की रक्षा हो, इसलिए आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से आज यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया।